Welcome to Future of India. Today's our first topic is NCSC, National Children's Science Congress. ये इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ अभी कहाँ पे केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर, जिसकी थीम थी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन. ये नेशन वाइड साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम है. इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1993 के अंदर. इस प्रोग्राम को जो किया जाता है वो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. इस प्रोग्राम के अंदर जो चिल्ड्रन है 10 टू 17 ईयर्स एज ग्रुप के, दोनों फॉर्मल स्कूल सिस्टम एज वेल एज आउट ऑफ द स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों टाइप के स्टूडेंट जो कि इस एज ग्रुप में है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फॉर्मल एंड आउट ऑफ द स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एग्जिबिट देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड मोर पर्टिकुलरली देयर एबिलिटी टू सॉल्व अ सोसाइटल प्रॉब्लम. इसके अंदर वो क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन को शो करेंगे और उसके अलावा जो उनकी एबिलिटीज़ है उनको यूज़ करना है किस लिए, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में. ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर्मल एज वेल एज आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 10 टू 17 ईयर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस. अब ये बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि इसको आयोजित करता है. इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, टू कम्युनिकेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मासेस. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज़ है, उसका एप्लीकेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और लोग, जिससे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. इट इज़ ए रजिस्टर्ड बॉडी गाइडेड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विद हेड क्वार्टर्स एट दिल्ली. सो आप याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ AFSPA. AFSPA मीन्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. नाम में कैसा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स. इसके अंदर क्या है कि जो आर्म फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर्स दी जाती है. कौन कौन सी स्पेशल पावर्स है वो हम आगे देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एंटायर नागालैंड के अंदर है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया पहले से चल रहा था, उसके लिए जो AFSPA है उसको 6 more months के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इसलिए AFSPA किसके अंदर आता है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 इसके अंदर आता है. ये एक्ट है AFSPA से रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे कंडीशन है नागालैंड के अंदर वो डिस्टर्ब्ड एंड डेंजरस कंडीशन है, इसलिए AFSPA को कंटिन्यू किया है 6 more months के लिए. आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 की बात करें तो ये इस एक्ट को इस AFSPA को किसी पर्टिकुलर रीजन में तब लगाया जाता है, वहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एक्ट इसलिए आया बिकॉज वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में वायलेंस वगैरह बहुत हो रहे थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपकी सिविलियन पावर होती है पुलिस वगैरह, उसके साथ साथ मिलिट्री पावर भी वहाँ पे वो अपने पावर को यूज़ कर सकती है. AFSPA गिव आर्म्ड फोर्सेस टू पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें क्या होता है कि जो आर्म फोर्सेस है उनको पावर दी जाती है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. कहाँ पे, हर जगह पे नहीं, ओनली डिस्टर्ब्ड एरियाज में. दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ फाइव और मोर पर्सन्स वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते, उनको वो रोक सकती है. कैन यूज़ फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ओपन फायर भी आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग के बाद में ओपन फायर भी कर सकते हैं. दे फील अ पर्सन इज इन ए कॉन्ट्रावेशन ऑफ द लॉ, अगर उनको लगता है कि कोई पर्सन किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं. कौन, आर्म फोर्सेस. सिविलियन जो आपकी पावर है पुलिस वगैरह है वो तो है ही, उसके अलावा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए ऐसे एरिया में आर्मी को भी पावर दी हुई है. If reasonable suspicion exists, the army can also arrest a person. वो अरेस्ट भी कर सकती है without a warrant. Very important point है, without warrant arrest कर सकती है. Search premises without a warrant, किसी particular area को वो सर्च भी कर सकती है. And ban the possession of firearms, वो कोई arms रखे हुए तो उनका जो possession है उसको भी ban कर सकती है. ये काफ़ी important point है AFSPA से related. Without warrant search एंड अरेस्ट कर सकती है. अगर डिस्टर्ब्ड एरिया की बात करें तो सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA एक्ट के अंदर ये मेंशन है. और ये डिस्टर्ब्ड एरिया कैन बी वो किसी भी वजह से हो सकता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्राउंड और कास्ट और कम्युनिटीज, किसी भी फॉर्म पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो डिस्टर्ब्ड एरिया में आ सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरेटरी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरेटरी एज डिस्टर्ब्ड एरिया. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी
तीनों क्या कर सकते हैं, वो किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं। क्या डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के लिए पूरे स्टेट को घोषित करना होता है? नहीं, कोई पर्टिकुलर एरिया भी घोषित कर सकते हैं और पूरा स्टेट भी डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं। वंस डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड द रीजन इज मेंटेन एज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर एक बार किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया तो वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वहाँ पे एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। स्टेट्स अंडर AFSPA एक्ट, ये AFSPA एक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे अभी एप्लीकेबल है, इन स्टेट्स की लिस्ट को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, बिकॉज किसी पर्टिकुलर स्टेट को वो एक्ट से बाहर भी निकाल सकते हैं, उनको जब सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी तो वहाँ पे AFSPA हटा देंगे और किसी दूसरे स्टेट में AFSPA लगा भी सकते हैं। इसलिए ये लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, जब आप उसको अपडेट करते रहना। एट प्रेजेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर, मणिपुर के अंदर जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इम्फाल उनको छोड़ के और पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल प्रदेश द इम्पैक्ट ऑफ AFSPA हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 8 पुलिस स्टेशंस। और ये मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया AFSPA से रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, 18th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। इंडियन पहले पढ़ा था वो साइंस कांग्रेस था, अभी ये हिस्ट्री कांग्रेस है। इसका 18th सेशन हो रहा है कहाँ पे? कन्नूर, केरला के अंदर, 28 to 30 December 2019 के अंदर अभी हिस्ट्री कांग्रेस है। इट कॉल्ड अपॉन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ टू परस्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्रमोटिंग कंपोजिट कल्चर। इसके अंदर बेसिक पर्पस क्या है कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो क्या करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को यूज़ करना है और इंडिया के जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रमोट करना है, और जिससे कि इंडिया की जो टेरिटोरियल यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इन 1935 ऑल इंडिया कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारत इतिहास संशोधका मंडल, BISM। BISM के द्वारा 1935 में ऑल इंडिया कांग्रेस का उसका सिल्वर जुबली को मीन्स 25th ईयर उसके सेलिब्रेट 25th ईयर कम्प्लीट हो रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस को, तो उसकी सिल्वर जुबली को वहाँ पे आयोजित किया जा रहा था। तो तब उस टाइम पे ये इवेंट रिजल्टेड इन द इंसेप्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है इसकी स्टार्टिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस के 25th वाला सेशन जहाँ सिल्वर जुबली आयोजित हो रही थी तब इसकी स्टार्टिंग हुई। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर रोल ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की बात करें तो रोल क्या होगा, टू रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क ऑफ हिस्ट्री प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, टू प्रमोट इम्पार्शियल एंड सब्सटेंटिव हिस्ट्री, टू कमेंस टू अ फेयर एंड साइंटिफिक हिस्ट्री डिवाइड ऑफ बायस एंड पॉलिटिक्स। और 1946 के अंदर इन्होंने एक पिटिशन को फाइल किया है, गवर्नमेंट टू अलाउ रिसर्चर्स एक्सेस टू आर्काइव्स, जो गवर्नमेंट की जो आर्काइव्स होती है उनको रिसर्चर्स एक्सेस कर सके जिससे कि वो हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा चीज़ें को अच्छे से जान सके। इसके लिए उन्होंने एक पिटिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड भी फाइल की। इट ऑल्सो बिगेन टू इंगेज विद द हिस्ट्री टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और ये स्कूल और कॉलेजेस में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उससे भी ये एसोसिएट हुए। और 1948 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का जो सिलेबस है उनको डिज़ाइन करने में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इट इज़ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सक्यूवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। इट इज़ अटैच्ड ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको फाउंडेशन है 1861 के अंदर, इसका मतलब जो 1857 की अपनी क्रांति हुई थी उसके बाद में, तो बहुत पुराना है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि यार 1861 में कैसे स्थापित हो सकता है, यस उसका फाउंडेशन हुआ 1861 के अंदर, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, तो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जो कि इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने। तो आपको याद रखना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ eBkry पोर्टल। ये पोर्टल है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का बेसिक पर्पज़ क्या है कि जो बैंक्स होती है अपने जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को असेट, जो प्रॉपर्टी असेट्स को, जो असेट्स को अपने साथ में अटैच करते हैं, इन जो अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ को वो ऑनलाइन सेल कर सके, ऑनलाइन उनके ऑक्शन कर सके, ऑनलाइन नीलामी कर सके, उसके लिए ये पोर्टल है। अब ऑनलाइन करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और जो असेट की जो
रियल वैल्यू है वो आप रियलाइज़ कर सकते हैं, बैंक को रियल वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज ऑनलाइन करने से बहुत ज़्यादा कस्टमर वे पार्टिसिपेट करेंगे उस पर्टिकुलर असेट को लेने के लिए। तो आपको याद रखना है eBkry पोर्टल किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इट इज़ फ्रेमवर्क टू प्रमोटिंग ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ असेट्स अटैच्ड बाय द बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द फ्रेमवर्क एम्स टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉपर्टीज, eBkry पोर्टल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म बर्थ एनिवर्सरी है, उस डे को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 के अंदर, जो कि अभी ग्वालियर प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे, लेकिन अभी जो है वो MP का पार्ट है। वो इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनकी एंट्री हुई 1942 के टाइम पे, जिस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। और वो 1996 से 1999 में दो टाइम पे, 1996 में कुछ टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1999 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो 1996 के अंदर उनकी 13 डेज की सरकार चली थी। और ये दो बार मतलब मंस प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। और लोकसभा के अंदर वो 9 times मेंबर रहे, राज्यसभा के अंदर 2 बार मेंबर रहे, और 1994 के अंदर उनको इंडिया का बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का भी अवार्ड दिया गया। उनको जो कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न है वो मिला है 2015 के अंदर, और सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म विभूषण है वो मिला था 1994 के अंदर। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए गुड गवर्नेंस डे। एलिफेंट कॉलोनी इन बांधवगढ़, एलिफेंट कॉलोनी बांधवगढ़ जो है वो बेसिकली एरिया कहाँ पे है, MP के अंदर। बांधवगढ़ आपका टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1968 के अंदर इसको नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया और 1993 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमको, ये इसका मेंशन किया हुआ है एंशियंट बुक्स ऑफ नारद पंचरत्ना एंड द शिवा पुराना, इन जो एंशियंट जो टेक्स्ट है इनमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बांधवगढ़ फोर्ट की बात करें वो ग्रेट मास्टरपीस ऑफ त्रेता युग ऐसा माना जाता है, जो हिंदू अपनी फिलोसफी है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो 4 युग होते हैं, तो जो बांधवगढ़ फोर्ट है वो माना जाता है त्रेता युग से संबंधित है। और इसके जो रूलर थे उसमें से मेजर जो डायनेस्टीज थे वो उसमें है सेनगर्स थे, कल्चुरीज थे एंड बागिल्स थे। ये नाम याद रखना, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। सो अगर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करें बांधवगढ़ की, तो इट रिसाइड्स ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द नॉर्थर्न एज ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज। मीन्स स्टेट की बात करें तो किस में आता है, ये MP के अंदर आता है। क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक जोन है। और स्ट्रीम्स, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ से बहुत सारे स्ट्रीम्स फ्लो होती है और वो सारी स्ट्रीम्स बाद में मर्ज होती है सोन रिवर के अंदर। और जो सोन रिवर है वो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, जोहिला, जनत, ये सारे स्ट्रीम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्ट्रीम्स है लेकिन ये स्ट्रीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम एक बार आप देख लेना। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसका जो कोर एरिया है, इसके कोर एरिया में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं। देर आर मोर देन 22 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे मिलती है। कौन सी स्पीसीज यहाँ मिलती है, एशियाटिक जैकल, बंगाल फॉक्स, स्लोथ बियर, स्ट्रिप्ड हैना, लियोपार्ड एंड टाइगर, वाइल्ड पिग्स, नील गाय, चिंकारा एंड गौर। ये गौर वाला नाम याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौर भी यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो ये MP का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोकेशन है आपकी झांसी, ये खजुराहो, यहाँ पे सतना, अब ये भोपाल है जो कि MP की अब कैपिटल है, और ये होशंगाबाद। अगर टाइगर नेशनल पार्क की बात करें तो MP के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनके लोकेशन को आप देखो एक बार। ये यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, उसके नीचे ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। फिर आपका कान्हा नेशनल पार्क है और ये पेंच नेशनल पार्क है। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनको आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो ऊपर है पन्ना, फिर है आपका पन्ना के बाद में है बांधवगढ़, उसके बाद में है कान्हा, और उसके बाद में पेंच, PBKP। तो याद रखना आप, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट अभी, अच्छा ये अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो एलिफेंट्स थे वो एलिफेंट्स यहाँ एमपी के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं और इसलिए वहाँ पे बनाई जा रही है एमपी के अंदर कहाँ पे ये जो बांधवगढ़ है वहाँ पे एक एलिफेंट कॉलोनी को फॉर्म किया जा रहा है। कॉलोनी मतलब बहुत ज़्यादा एलिफेंट वहाँ पे रहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसलिए ये न्यूज़ में। तो एलिफेंट के बारे में बात करें तो ये शेड्यूल वन स्पीसीज़ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इंडिया इज़ होम टू 50% ऑफ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू 2017 की जो अकॉर्डिंग जो 2012 में जो एलिफेंट का नंबर था उसके रेस्पेक्ट में 2017 में नंबर डिक्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर नो एलिफेंट इन एमपी, एमपी के अंदर कोई एलिफेंट नहीं था। देयर इज़ नो नोन रीज़न, इसका क्या रीज़न था वो भी पता नहीं था, फॉर दिस दिस अपीयरेंस फ्रॉम इंडिया सेंट्रल रीजन इंक्लूडिंग एमपी एंड अंटिल अ फ्यू ईयर्स एगो छत्तीसगढ़ अ लॉस ऑफ हैबिटेट कुड हैव लेड टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दूसरे जो एनिमल वाले जो एलिफेंट वाले एरियाज है वहाँ पे वहाँ से एलिफेंट एमपी के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं बांधवगढ़ के वहाँ पे एलिफेंट कॉलोनी को फॉर्म किया गया है। जैसे कि आसपास वाले एरिया वेस्ट बंगाल झारखंड वहाँ से एलिफेंट कहाँ आ रहे हैं ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, इसलिए न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जो आपका एशियाटिक लॉयन है उसको गिर नेशनल पार्क से कहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो वो पूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही थी उस टाइम पे, तो वो भी न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऐसी ही बात आपको याद रखना है कि जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ से एलिफेंट कहाँ पे आ रहे हैं आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और वहाँ पे एलिफेंट कॉलोनी को फॉर्म किया जा रहा है, सॉरी टाइगर नहीं एलिफेंट, टाइगर तो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, एलिफेंट वहाँ पे नहीं थे इसलिए एलिफेंट आ रहे हैं सराउंडिंग एरियाज के वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड से एमपी के अंदर। लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज RCEP। RCEP जैसा कि आपको पता है एशियन प्लस सिक्स जो कंट्रीज थी उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इंडिया जो है अभी RCEP का मेंबर नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड है एशियान से रिलेटेड है, ये प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार ईसापुर एंड कंगसाबाती, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 लेटेस्ट प्रीलिम्स में पूछा गया। ये सारी की सारी लोकेशन है, ये लोकेशन ये वाटर रिजर्वेयर्स के नाम है, तो ये ऑप्शन विल बी डी। लेट्स मूव टू द सी सेट क्वेश्चन, वॉट इज़ द एक्स इन द सिक्वेंस, ये सिक्वेंस दे रखा है 132, 129, 124, 17, इसके बाद एक्स क्या होगा, तो हमने क्या किया इसको अच्छे से अरेंज किया, पहले यहाँ पे आपका इनको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में हम पैटर्न को देखा कि 129 में जब प्लस 3 करते हैं तो आपका 132 बनता है, यहाँ से प्लस 5 ये फिर 1 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 और इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन आ रहे थे। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखने से आपको पता चलेगा ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से वन के अलावा वो नंबर होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। अगर वन से हंड्रेड के बीच में बात करें तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होगी आपका टू से, फिर आएगा थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर आपका हो जाएगा नाइन, नहीं होगा बिकॉज नाइन थ्री से भी डिवाइड होता है, इलेवन एंड देन थर्टीन, और थर्टीन के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा सेवनटीन। तो यहाँ पे देखेंगे 13 के बाद में 17 होगा, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 17, तो 93 में से यहाँ 17 को माइनस करेंगे, बाय मिस्टेक ये 76 लिखा है, 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 76। तो जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें प्राइम नंबर जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 3, 5, 3, 5, 7, 11, 13, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा 17, तो 93 में से 17 को माइनस किया आंसर हो जाएगा 76, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस पर 76, ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।